हेलो फ्रेंड्स, पाल माई नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले आपको। इस वीडियो में क्लास 8 रुचिरा पुस्तक का नाम है सीबीएसई बोर्ड की संस्कृत की अष्टमः पाठ, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायका। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इस पाठ के हमने ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। इस पैराग्राफ को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और उस पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। पहला खंड होगा एक पदेनोत्तरता, यानी कि एक पद में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है संसार सागराणाम निर्मापयितारः निर्मातारः च कुत्र आसन, तो इसका उत्तर है नेपथ्ये। दूसरा खंड होगा पूर्ण वाक्योत्तरतः, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है नूतन समाजस्य मनसि का जिज्ञासा नैव उद्भूता, तो इसका उत्तर है नूतन समाजस्य मनसि यम जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम् एतावतः तदागान के रचयन्ति स्म। तीसरा खंड है निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। प्रश्न इस प्रकार है उत्पन्ना इति स्थाने किम पदम अत्र प्रयुक्तम, तो इसका उत्तर है उद्भुता, यानी कि उत्पन्न होना यानी कि उद्भुत होना। दूसरा प्रश्न है तड़ागाह प्रकटीभूताः अत्र विशेषण पदम किम, यानी कि इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो इसका उत्तर है प्रकटीभूताः। अब इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस पैराग्राफ की और इस पाठ की हिंदी ट्रांसलेशन हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। पहला प्रश्न है गजाधराः कुत्र निवसन्ति स्म, यानी कि गजाधर कहाँ रहता था, तो इसका उत्तर है अशेष देशे। दूसरा खंड है पूर्ण वाक्योत्तरतः, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। गजाधराः हस्ते किं धारयन्ति स्म, यानी कि गजधर अपने हाथ में क्या धारण करता था या उसके हाथ में क्या रहता था, तो इसका उत्तर है गजधराः हस्ते त्रिहस्त परिमाणमित्मिकी लौहयष्टिम धारयन्ति स्म। तीसरा खंड है निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए बहुप्रसिद्धाः इति स्थाने किं पदम अत्र प्रयुक्तम, तो इसका उत्तर है बहुप्रथिताः। बहुप्रथिताः इति अस् पदस्य किं विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, यानी कि बहुप्रथिताः इस पद का क्या विलोम शब्द इस यहाँ इस पैराग्राफ में प्रयुक्त हुआ है, तो इसका उत्तर है अज्ञात नामानः। यह दूसरा तीसरा पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पहला खंड होगा एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो गजधराः किम संग्रहणाति स्म, तो इसका उत्तर है उपकरण भारान। दूसरा खंड है पूर्ण वाक्य में वाक्योत्तर, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रतिदाने गजधराः किम याचन्ते स्म, यानी कि प्रतिदाने यानी कि बदले में गजधर क्या लेता था, तो इसका उत्तर है प्रतिदाने गजधराः यद एव याचन्ते स्म यद दातु तेषां स्वामिनः समर्थाः भवेयुः यथा निर्देशम उत्तरत। पहला प्रश्न है व्यवस्थायाः इति पदस्य स्थाने किम पदमत्र प्रयुक्तम, तो इसका उत्तर है प्रबन्धस्य, यानी कि किसी की व्यवस्था करना या फिर प्रबंध करना। दूसरा प्रश्न है स्वामिनः असमर्थाः अनयः विशिष्य पदम किम, तो इसका उत्तर है स्वामिनः। अब आगे देखते हैं पाठ से रिलेटेड प्रश्नोत्तर। तो यहाँ एक पदेनोत्तरतः, यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, तो इसका उत्तर है राजस्थानस्य। गज परिमाणं कः धारयति, इसका उत्तर है गजधरः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म, इसका उत्तर है सम्मानम्। कि शिल्पी रूपेण न समाद्रिताः भवन्ति, इसका उत्तर है गजधरः। दूसरा खंड है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्न के उत्तर लिखो। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, इसका उत्तर है तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, यानी कि गजधर किस रूप में परिचित थे, इसका उत्तर है गजधराः वास्तुकाराणां रूपे परिचिताः। गजधराः किं कुर्वन्ति स्म, गजधराः नगर नियोजनात्
लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति स्म। के सम्माननीयाः गजधरा सम्माननीयाः। तीसरा खंड है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि रेखांकित जो पद है इसको बदलकर आपको प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि उत्तर दिया होगा आपको प्रश्न बनाना है। तो इसका वाक्य यह है, उत्तर यह है कि सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वम गजतराः निभालयन्ति स्म। तो जहां पर ये अस्य आता है तो वहां आपको कस्य लिखना है, तो इसका प्रश्न बनेगा कस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म। तेषाम, तेषाम का होता है केषाम, जहां ऐसे तेषाम आते हैं तो वहां पर केषाम शब्द का प्रयोग करते हैं। केषाम यानि किन के, तो तेषाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, यानि कि उनके स्वामी असमर्थ हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा किन के स्वामी असमर्थ हैं, तो केषाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्तवन्ति, यानी कि वेतनानि जहां आनी आता है तो वहां कानि का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्माननमपि प्राप्तवन्ति। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति, तो गजधरः यानी कि कौन, यानी कि इसका प्रश्न बनेगा कौन सुंदर शब्द है, कौन सा क्या सुंदर शब्द है, तो इसका उत्तर है कह सुंदरः शब्दः अस्ति। तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते, यानी कि इसका प्रश्न बनेगा कि संसार सागराः कथ्यन्ते। चौथा प्रश्न है अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधि विच्छेदं कुरुत, यानी कि इनका संधि विच्छेद करना है आपको। तो अद्य प्लस अपि का हो जाएगा अद्यापि, यानी कि आज भी। स्मरणम प्लस अर्थम, यानी कि स्मरणार्थम। इति प्लस अस्मिन, यानी कि इत्यस्मिन। एतेषु प्लस एव इक्वल टू एतेष्येव। सहसा प्लस एव, यानी कि सहसैव। पांचवा प्रश्न है मंजुषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत, यानी कि मंजुषा में से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। मालाकाराः पुष्पैः माला हार रचयन्ति। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। सहसा बालिकाः तत्र अहसत्। छठा प्रश्न है पद निर्माणं कुरुत, यानी कि पद का निर्माण करो। तो क्रि प्लस तुमुन, यानी कि कर्तुम, ये एक उदाहरण दिया हुआ है। तो हरि प्लस तुमुन, यानी कि हो जाएगा हर्तुम। त्रि प्लस तुमुन, यानी कि तर्तुम। एक और उदाहरण है नम प्लस अक्त्वा, तो नत्वा हो जाएगा। गम प्लस अक्त्वा, यानी कि गत्वा। यहाँ पर ये सारे धातु हैं और यहाँ पर ये प्रत्यय है, और धातु प्लस प्रत्यय मिलकर पद बनते हैं, यानी कि शब्द बनते हैं संस्कृत के। तो त्याज प्लस अक्त्वा, यानी कि त्यक्त्वा। भुज प्लस क्त्वा, यानी कि भुक्त्वा। यहाँ पर उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय मिलकर शब्द बनाने हैं आपको, पद बनाने हैं आपको। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है उप प्लस गम प्लस ल्यप, यानी कि उपगम्य। सम प्लस पुज प्लस ल्यप, यानी कि समपूज्य। आ प्लस नी प्लस ल्यप, यानी कि अन्य, यानी कि लाओ। प्र प्लस दा प्लस ल्यप, यानी कि प्रदाय, यानी कि लेकर। अगला प्रश्न है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं यजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत, यानी कि कोष्टक में दिए गए शब्दों की समुचित यानी कि उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। धिक् कापुरुषम्। एक और उदाहरण है बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। पुत्र पित्रा सह आपणं गच्छन्ति। शिशुः मात्रा सह क्रीडति। तो ये थे हमारे इस पाठ के क्वेश्चन और आंसर। होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।